हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइज, ये वीडियो जो है ये स्पेशली है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फाइनल ईयर में जो है उनकी तो इंजीनियरिंग कह सकते हैं खत्म। बस तो अभी जिनके पास टाइम है ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो तो प्लीज़ पक्का से देख लेना, ओके। तो चलो फिर इस वीडियो में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो है वो हिट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं आए तो डिसलाइक करना है डेफिनेटली। एंड अगर तुम्हारा कोई भी कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो, जो भी हो, वो तुम आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें अभी सीखने चाहिए, मतलब इस एरा में सीखने चाहिए, 2021 में सीखने चाहिए, कंसीडरिंग तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, राइट। तो द फर्स्ट लैंग्वेज आई विल से इज C++ और जावा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन विल अगेन आई विल से जावा और C++। तो ये मैंने क्या किया है ना कि फर्स्ट और सेकेंड में दोनों रखा है, बिकॉज अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोथ आर इक्वली गुड, ट्रस्ट मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो इन दोनों को ही अलाउ करती हैं एंड दोनों ही काफ़ी सही लैंग्वेज है, राइट। तो ऑब्वियसली पाइथन को भी बहुत सारी कंपनी अलाउ करती है, बट उसका कुछ फ्लॉज है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आएंगे, राइट। तो अभी के लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो आई विल से C++ और जावा, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए इससे बेहतर लैंग्वेज कुछ नहीं है। अब तुम मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकेंड क्यों नहीं बोला है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, राइट, नहीं बोल सकती। अब डिपेंड करता है तुम्हारा फर्स्ट कौन सा होगा जो तुम्हें पसंद है, राइट, तुम्हारा सेकंड कौन सा होगा जो तुम्हें थोड़ा सा कम पसंद है। अगर पॉसिबल है तो दोनों सीख लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई एक सीख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, राइट। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसको फर्स्ट बोलूँगी तो आई विल से जावा। एंड द ओनली रीज़न इज़ कि जावा जो है ना वो वाइडली और मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है इन इंडस्ट्रीज़। तो मैक्सिमम कंपनीज़ जो हैं वो आज भी जावा पे काम करती है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बोल सकते हो ना कि बोनस हो जाता है, राइट। अगर तुम्हें पहले से जावा आता है तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें वो सीखने में बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, राइट। तुम्हें बहुत कम मेहनत लगती है बिकॉज तुम्हें पहले से आता है, तुम थोड़ा बहुत कर लिए, रिवीजन वगैरह, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और तुम्हारा काम बन जाता है। लेकिन अगर तुम C++ बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें थोड़ा सा सीखना पड़ता है, ऑल्दो ये बहुत आसान होता है, राइट। क्या है ना कि अगर तुम्हें एक लैंग्वेज आता है तो दूसरा लैंग्वेज सीखना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बिकॉज तुम्हें ओनली सिंटैक्स सीखना होता है, लॉजिक वगैरह तो तुम्हारा पहले से आ रहा है, राइट। तो वो चीज़ है, बट येस आई विल से जावा बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीज़न कि जावा जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, राइट। तो फर्स्ट इज़ जावा। अब हम लोग आएंगे सेकेंड इज़ C++, तुम्हें पता है, राइट, बाकी चीज़ें तो पता चली गई है। नाउ थर्ड लैंग्वेज जो है दैट इज़ माई लव पाइथन, ओके। तो पाइथन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं लेज़ी हूँ और उसमें बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ता है, राइट। पर मैंने इसको थर्ड क्यों बोला है? क्योंकि पाइथन बहुत लोगों को पसंद है, राइट, लेकिन मैंने इसको इसलिए थर्ड बोला है क्योंकि एक तो बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो पाइथन को अलाउ नहीं करती हैं, फर्स्ट रीज़न। रीज़न नंबर 2 पे अगर हम जाएँ तो पाइथन में जो है वो बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हैं, विच इज़ वेरी गुड व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड। जब तुम्हारा लॉजिक वगैरह बिल्ड हो चुका है, तुम उस फेज से निकल चुके हो, तो ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। बाकी कभी कभी मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, स्टिल वहाँ पे वो तुम्हें बोल सकते हैं कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ड फंक्शन, मतलब तुम्हें कोई इनबिल्ड फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करना है और उसके बाद यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर अगर तुम पाइथन वाले बच्चे हो ना तो तुम वहाँ जाके फेल हो जाते हो, इसलिए फेल हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा जो वो बिल्ड होना चाहिए लॉजिक वो नहीं हुआ है, तुम्हें आदत पड़ गई है एक आराम से फंक्शन लिखो, उसमें पैरामीटर पास करो और बस मेरा रिजल्ट आ गया, इस चीज़ की आदत तुम्हें पड़ चुकी है, राइट। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है उसको कभी भी पाइथन से प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इवन दो आई लव पाइथन आई सेड, बट तुम्हें पाइथन से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पाइथन का हमारा प्लेलिस्ट भी है, अगर तुमने सीखना है तो तुम सीख सकते हो, बट अगर तुम सोच रहे हो कि पाइथन मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हो तो प्लीज़ मत जाना, प्लीज़ मत देखना उस वीडियोज़ को, इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि तुम्हारा लॉजिक कहीं ना कहीं छूट जाएगा, तुम्हें आदत पड़ जाती है। और हम ऐसे ही हैं यार, हम ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा ही होता है कि जब हमें आसान चीज़ों की आदत लग जाती है ना तो भले ही हमें पता होता है कि कोई चीज़ मुश्किल है पर अच्छी है, पर हम उस पर जाना ही नहीं चाहते, राइट। तो आसान चीज़ों की आदत बाद में लगाएंगे, पहले मुश्किल रास्तों से गुजर के चीज़ें सीख लेते, राइट। तो इसीलिए एंड पॉइंट नंबर 3 आई गेस, पॉइंट नंबर 3 इज़ पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने की वजह से वो बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू जावा और C++। तो बहुत बारी ऐसा होता है ना कि तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम लिमिट दिला होता है कि इतने टाइम में तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। तो जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमारे C++ और जावा को 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, लाइक लेस देन 1 सेकेंड लगता है, पाइथन को उसको करने में 5 सेकेंड या ज़्यादा लग सकता है। तो बहुत बारी क्या होता है ना कि तुम्हारा सेम कोड, सेम लॉजिक, सेम एवरीथिंग जो तुम्हारा C++ और जावा में बहुत आसानी से रन कर जाएगा वो पाइथन में आके रन नहीं करता है, वहाँ पे TLE और टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखा देता है। तो ये भी कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो इसीलिए आई एल से पाइथन इज़ द 3rd लैंग्वेज विच यू शुड लर्न, राइट। अब हम आ जा रहे हैं हमारा आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अगर AI वगैरह में जाना चाहते हो तो पाइथन शुड बी योर प्रेफरेंस, ओके। AI फील्ड में पाइथन बाप है सबका। एनीवे 4th लैंग्वेज जो है जो हमें सीखना चाहिए दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस अगर हम वेब डिज़ाइनिंग और वेब की बात करें, ठीक है इधर घुस जाते हैं, अगर हम वेब की बात करें तो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट से बेटर कुछ नहीं है, राइट। जावास्क्रिप्ट इज़ बाइबल, ओके। तो तुम्हारे लिए जावास्क्रिप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम वेब में आगे जाना चाहते हो। एंड वेब का ज़माना कभी नहीं जाने वाला है। देखो हर एक चीज़ का वेबसाइट होता है, गूगल क्या है वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट है, तुम्हारे हर एक चीज़ का वेबसाइट मिल जाता है, राइट। तो चाहे चीज़ें कैसी भी हो गई है, कितना भी एडवांस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बट वेबसाइट्स आज भी हैं, राइट, और वेबसाइट्स कल भी रहेंगे। तो इसीलिए ये भी बहुत सही लैंग्वेज है। तो 4th लैंग्वेज अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो दैट शुड बी जावास्क्रिप्ट। अब आ जा रहे हैं हमारे लास्ट और 5th लैंग्वेज पे, तो दैट इज़ कॉटलिन। यस, तुमने सही सुना, कॉटलिन। कॉटलिन अब बोलोगे कि एंड्रॉयड की बात आप क्यों कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैं कॉटलिन की बात कर रही हूँ क्योंकि देखो आजकल सब कुछ एप्लीकेशंस में आ गया है। तुम नाम लो यार किसी चीज़ का और प्ले स्टोर में तुम्हारे पास उसके लिए एप्लीकेशन मिल जाता है। मतलब हेल्थ एंड ब्यूटी से लेकर के यूडेमी और गीक्स फॉर गीक्स के भी ऐप्स तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। और अब तो बोल सकते हो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि कॉटलिन जो है वो एकदम परफेक्ट वाला लैंग्वेज है अगर तुम्हें एंड्रॉयड में जाना है तो। तो एंड्रॉयड के लिए बेस्ट लैंग्वेज है, तो प्लीज़ जाओ। उससे पहले तुमने जावा तो सीख ही लिया है, तो यस तुम आराम से सीख सकते हो कॉटलिन। कॉटलिन इज़ द 5th लैंग्वेज विच यू शुड लर्न, क्योंकि यार फेसबुक हो फिर या फिर तुम्हारा इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, पढ़ाई के ऐप्स हो, यूडेमी वगैरह हो गया, यूडेसिटी हो गया, कोर्सेरा हो गया, हर चीज़ का ऐप है। और ये ना अभी बढ़ने ही वाला है, अटकने वाला नहीं है। तो समय के साथ चलते हैं, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं चलता लेकिन हमें समय के साथ चलना चाहिए, राइट। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए और कौन से को बोलना चाहिए बाय बाय, राइट। तो बस यही पे वीडियो को करते हैं रैप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।